नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। 2008 में सबका नाम इलेक्शन में गया है। हमने जो कायदा बनाया वो कायदा ये कहता है कि 2011 में जिसका नाम है उसको घर मिलेगा। यानी 2008 वाले का तो कोई चेक करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट के पात्र हो जाते हैं एक मिनट में, एक ही दिन में। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों को जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक वो पात्र नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने मालौनी के तक्षशिला SRA टावर में घर नहीं मिलने से परेशान लोगों के लिए हक का घर दिलाने हेतु धरना प्रदर्शन यह देखिए शुरू कर दिया है। सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई में वर्ष 2011 तक के अपात्र और पहले मंजिल पर रहने वालों लोगों के लिए SRA में पक्का घर दिलाने हेतु पूरे मुंबई में धरना प्रदर्शन करने का काम शुरू किया है, जिसकी शुरुआत आज मालौनी के इस तक्षशिला टावर से शुरू हुई है। इस संबंध में 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने GR पास किया था, लेकिन आज तक उसको लागू नहीं किया गया है। आइए हम आपको सुनाते हैं इस संबंध में सांसद गोपाल शेट्टी का और क्या कुछ कहना है। ये रोज एक एक विधानसभा करके मैं 6 विधानसभा बोरली का उत्तर मुंबई का कवर करूंगा। 6 विधानसभा पूरा होते तक अगर महाराष्ट्र की सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तो मैं उत्तर मुंबई के बाहर भी जाऊंगा। जब तक सरकार इसकी घोषणा नहीं करती है तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष के लोगों का आरोप है कि आपकी सरकार जब 5 साल थी, GR आया तो इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, अधिकारियों से क्यों नहीं कराया था, कुछ नेता इस पर कमेंट कर रहे हैं। मैं अच्छा हो गया सवाल आपने पूछा। जैसे मैंने बताया कि 2018 में शासन निर्णय कर दिया, 2018 में शासन निर्णय होने के बाद सशुल्क यानी कितना पैसा लेने का वो बाकी रह गया था, तो वो उसके लिए मीटिंग हुई। मीटिंग में कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए वो उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हुआ। 2019 आ गया, 2019 का फिर आचार संहिता लग गया, काम वहाँ पर रुक गया। चुनाव आ गया, काम पूरा रुक गया। चुनाव आने के बाद में सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, पूरा रुक गया। और सरकार ये नहीं आने के बाद में 6 महीना मैं भी शांत बैठा, क्योंकि सरकार को थोड़ा सेट होने दो। 6 महीने के बाद में मैं पहला मीटिंग जितेंद्र आवाड साहब को उनके ऑफिस में जाकर मिलकर किया। जितेंद्र आवाड को मैंने निवेदन देकर कहा कि ये कायदा बना है इसको आप अमल में लाओ। जितेंद्र आवाड ने उनके हाथ से लिखा हुआ लेटर मेरे पास है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। राजनीति मैं कर लूँगा, मैं इसमें राजनीति नहीं करूँगा। जितेंद्र आवाड ने बहुत बड़े मन से तातड़ीनीय अहवाल सादर करा करके उन्होंने लिख कर दिया। पांडरे नाम के एक ऑफिसर को नियुक्ति की, वो अहवाल बना रहा था, फिर पता नहीं चक्री कहाँ से क्या चल गई, वो पांडरे को वहाँ से बदली ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद में जो रुका हुआ है वो अभी तक रुका। और मैंने जब ये वापस 1-2-3 महीने से आवाज़ उठाना प्रारंभ किया तो फिर उद्धव जी ने एक मीटिंग ली और मीटिंग लेकर कहा कि ये जो भी कमियां खामियां इसको आप दूर करो, इस प्रकार का एक आदेश दिया और वो पेपर में छप के आ गया। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि उद्धव जी को जो महाराष्ट्र के जो मैं नाम लूँगा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीताराम कुंटे हैं, उन्होंने जानकारी देना चाहिए कि कायदा बन गया है। हाउसिंग सेक्रेटरी जो है उसने जानकारी देना चाहिए क्या कायदा बन गया है। COSRA सतीश लोखंडे है, उन्होंने उनको जानकारी देना चाहिए। उद्धव जी को उनके पार्टी के जो MLAs है उन्होंने जानकारी देना चाहिए। कोई भी जानकारी देते नहीं है, इसलिए उद्धव जी को मुझे ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं है। नहीं तो इसमें करने में दिक्कत क्या है, इसमें तो माइलेज मिलेगा ना, इसमें 1 रुपया खर्चा नहीं है सरकार को, उल्टा सरकार के तिजोरी में पैसा आएगा। सशुल्क जो भी पैसा है लोगों से लेना है, करोड़ों रुपये में पैसा आएगा शासन के पास, लोगों को घर मिलेगा और सरकार को पैसा मिलेगा, तो क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि उनको ये पता नहीं है। और मेरी ये मांग भी रहेगी कि जिन अधिकारियों ने उद्धव जी को ये जानकारी नहीं दी है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर उद्धव जी ने कार्रवाई भी, देखो भाई भगवान ने आपको एक मौका दे दिया है, मौका मिला है चौका मारो। उद्धव जी से मैं निवेदन करूंगा, आप 4 ऑफिसर को एकदम सस्पेंड करो, छत्रपति शिवाजी महाराज को जैसा लोग याद करते हैं वैसा भविष्यकाल में आपको भी याद करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया, आप लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए घर जाओ, ये उद्धव जी ने कहना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी को याद करते हुए उद्धव जी ने यह निर्णय करना चाहिए, फिर देखो कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का ऐसा आरोप है, जो फर्स्ट फ्लोर का मुद्दा है, अपात्र का मुद्दा है, आप इतने दिन उठाए नहीं, अब आप विपक्ष में है, सरकार में यहाँ पे, इसके लिए आप इस मामले को ज़्यादा हवा दें। राष्ट्रवादी के लोग, अगर मुझे लगता है कि कोई सपने में है, राष्ट्रवादी के पार्टी के कार्यकर्ता और सारे लोग कहेंगे कि पहले माले का मुद्दा अगर किसी ने उठाया मुंबई शहर में तो गोपाल शेट्टी ने उठाया, ये आपको कोई भी, और उसका रिकॉर्ड है सारा, उसका रिकॉर्ड है सारा। और मैं बहुत खुलकर बात करने वाला आदमी हूँ,
मैंने सुनील प्रभु जी का नाम बहुत बार लिया। सुनील प्रभु और हम कॉरपोरेशन में साथ में काम करते थे, वो मुझे बहुत सम्मान करता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। अब सरकार उनकी है तो साहब वही करेंगे। जिसने मैं उनको बोलता था सुनील ये हुआ है, उद्योग जी को बोल के इसको इम्प्लीमेंट करो, सुनील जी ने उसको प्रयत्न भी किया। अभी उद्योग जी का जो मीटिंग हुआ विनोद घोसालकर और सुनील प्रभु और बाकी सारे लोगों के, तो ये उनके प्रयत्न से ये मीटिंग हुआ, लेकिन जो सही बात है वो सरकार तक पहुँची नहीं। मैं ये आरोप लगाऊंगा तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जो कायदा जो बनता है वो कायदा बनाने वाले ही पढ़ते नहीं है, तो आम लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। आपका कहना है कि जीआर जब 2018 में आया तो नौकरशाही के कारण ये मामला पूरा अधर में लटका हुआ है। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, नॉट ओनली नौकरशाही, पॉलिटिकल सिस्टम। भाई जो आमदारों ने ये बिल पास किया उनका भी तो काम था ना इसको अमल में लाने का, आवाज तो उठानी चाहिए थी। आप टीवी जगत से मीडिया के लोग है, कौन से आमदार ने इंक्लूडिंग माई पार्टी आवाज उठाई होगी तो बोलो, मैं उसके घर में जाकर उसका अभिनंदन करूंगा, मैं उसका अभिनंदन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अधिकारियों के साथ साथ में अधिकारी काम नहीं करता है तो लोकशाही में फिर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम आया। कॉरपोरेशन के अधिकारी काम नहीं करते तो नगर सेवक ने आवाज उठाने का, विधानसभा में नहीं करते तो आमदार ने आवाज उठाने का, लोकसभा का लोग नहीं करते दिल्ली के लोग तो सांसद ने काम करने का। वैसे ये अभी महाराष्ट्र का काम है, ये आमदार का काम है, लेकिन गोपाल सेट्टी का जन्म झोपड़पट्टी से हुआ और मुझे लगाव है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरा काम तो वैसे टेक्निकली ये आमदारों का काम है। सेट्टी जी आपने एक बात कही कि अगर आपकी मांगों पर सोमवार तक गौर नहीं किया तो आगे से आप सबका हक दिलाने के लिए उनको आगे अपनी तरफ से कार्रवाई करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि मैं सारे जो भी लोकशाही में मुझे अधिकार मिले वो सारा करूंगा। भगवान करे मुझे उद्धव जी और बाकी सारे लोगों को मौका ना दे, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उद्धव जी के घर के सामने भी जाकर एक दिन धरना करूंगा, मैं शरद पवार जी के घर के सामने भी जाकर धरना करूंगा। जहाँ जहाँ जाना है वो मैं जाऊँगा वहाँ पर, लेकिन मुझे वो अवसर प्राप्त नहीं होगा ये मैं आपको कह रहा हूँ। जितना देरी ये करेंगे उतना गोपाल सेट्टी की लोकप्रियता बढ़ाने का काम होने वाला है। अभी आपके हाथ में, आपको जो करना करो। आप सोमवार को पहले दिन आकर मुझे कह दो कि ये बंद कर दो, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, खत्म हो गया। मुझे जो कायदा देवेंद्र फडणवीस ने बनाया उससे ज़्यादा एक रुपये का कोई चीज़ नहीं चाहिए, एक रुपये का चीज़ नहीं चाहिए। मैं सोमवार को ख़त्म कर दूंगा मेरा आंदोलन। अभी वोटिंग का टाइम मुझे लगता है बहुत। देखो ये हमारे बहन जी के वेदना को जरा कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने समझने की आवश्यकता है। कैसा लोग जी रहे, चार घर का काम करती है, उसको हड्डी में रॉड डाला हुआ है, पति को पैरालाइज हुआ है और ऐसे व्यक्ति के पास से भी वो बिल्डर ले रहा है। मैं बहन को आश्वासन देता हूँ घर तो आपको मिलेगा ही, बात से आपको वापस दिलाएगा 2 लाख रुपया। ऐसे और भी किसी ने 2 लाख रुपया दिया होगा तो आके बताओ यहाँ पर, मैं 2 लाख रुपया भी आपको दिलाऊंगा और घर भी दिलाऊंगा। 2 लाख रुपया अगर बिल्डर ने मेरा आंदोलन खत्म होने के पहले दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देता है तो मैं बिल्डर के घर के सामने आंदोलन भी स्टार्ट करूंगा। भाड़ा देंगे और रूम मिलेगा, लेकिन रूम तो मिला नहीं, खुद का ही है ग्राउंड फ्लोर का घर का, तो भाड़ा 2015 से तो बंद कर दिया, फिर बोले कि 2 लाख रुपया भर के पात्र करके देंगे, तो पात्र भी नहीं किया, सशुल्क में आ गया। अभी सशुल्क में आया है तो हम लोग ने बोला कि क्या कर रहे हैं आगे का प्रोसीजर बताओ, तो 2 लाख रुपया भर दिए, तो बोले कि बांद्रा जाओ वहाँ से लेटर लो, ऑफिसर से मिलो, ये सब कार्रवाई करो, तो 7 से 8 धक्का खाए हम लोग ने वहाँ पे जा जाके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बोलते जब आएगा पेपर में आएगा, आप पेपर में देख लेना, ऐसा करके हम लोग को चुप बिठा दिया। यहाँ पे भी ऑफिस में आके हम लोग ने बहुत बार बोले, लेकिन वो लोग ने बोले आप लोग करो जो कार्रवाई कर लो। आपको 2 लाख रुपया भी मिलेगा, आपको घर भी मिलेगा, इसके आगे आपने कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता आपको यहाँ पर चाबी देने के लिए आएंगे। हेलो सर, मैं मिस्टर कुट्टा पे है, मिसेस कुट्टा पे है सर, और मेरे को अंदर जगह था, उसका जगह मेरे को
घर का फ्लैट का एग्रीमेंट दिया, ना आज तक हमको भाड़ा दिया ना हमको कर दिया, कुछ भी नहीं, पहले से ही नहीं दिया, नहीं दिया। और सब पेपर से लिए मेरे पास, फिर भी मेरे को कुछ नहीं दिया। मैं आज मेरा बच्चे लोग के साथ रहता है, कुछ भी बोले तो बोलेगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी क्या करूँ सर, मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप हमें कुछ तो करती है। मैं आज तक भाड़े में रहती हूँ, अभी इसमें जो चेयरमैन सेक्रेटरी है उनका भी बड़ा दोष है। अभी वो भले मैं उनको मिल